Hello, people. It's me, Sean, and this is Ria. Hi, myself Ria Jinkwan. And thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल है एंड देयर इज अ स्पेशल रीजन कि रिया यहाँ पे आज हैं. ये एक सेलिब्रिटी बन गई हैं. वैसे तो मैं काफी टाइम से जानता हूँ रिया को, लेकिन आज ये एक म्यूजिक वीडियो में आई है और ये म्यूजिक वीडियो जो है ये इसके बारे में थोड़ी टिप्पणी देंगी पहले कि ये क्या है, कैसे इसका प्लान बना एंड एवरीथिंग. सो ये क्या है जो हम अभी देखने वाले हैं? ये एक लेस्बियन लव स्टोरी के ऊपर म्यूजिक वीडियो है. लेस्बियन लव स्टोरी, इंटरेस्टिंग. अच्छा, और कुछ ये सिनेमार्ट का फाइनल प्रोजेक्ट था तो उनके मतलब उन्होंने मुझे अप्रोच किया. फिर मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि मुझे नहीं करना, गलत इंप्रेशन पड़ेगा. बट ठीक है, फॉर द सपोर्ट करा. चलो जी, वेरी गुड. सो अब ये जो बेसिकली सॉन्ग है, इट्स अ म्यूजिक कवर वीडियो. सो जो गाने का नाम है दैट इज लॉस्ट ऑन यू एंड इट इज बाय आर्टिस्ट एलपी. सो मैंने ये गाना पहले नहीं सुना है. सो अगर कोई एलपी के फैंस, आई एम रियली सॉरी, दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं ये यू नो सॉन्ग सुनूंगा. एंड म्यूजिक वीडियो है जिसमें शी इज फीचरिंग. सो चलिए ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स वॉच इट बिकॉज इट इज अ लॉन्ग वीडियो. ये है 5 मिनट एंड 14 सेकंड्स की. सो चलो देखते हैं कि रिया ने कैसे काम किया है. सो ये भी गो. Oh,
तुमसे प्यार करते हैं। अरे फिर तो उसने पूरी लिपस्टिक लेके पूरी ऐसी वो कर दी थी ना एकदम, और साल लड़के एक लड़की की बात तो मैंने पूरी घसी के लगाई है उसने हाथ पे, और उसमें नो मेकअप है मतलब कभी मेकअप नहीं, क्रीम तक नहीं है। रजत कश्यप इसी ने पूरा सब डायरेक्टर है। अच्छा बीमार भी हो गया बेचारे की किडनी या कुछ खराब भी हो गई। ओह शिट, ये बिट था पूरा जिसमें पूरा शूट हुआ था। बहुत अमेजिंग। मैं मुझे ये तो आइडिया था कि हाँ एक म्यूजिक वीडियो है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मतलब लेस्बियन लव के ऊपर है। ये मुझे सरप्राइज मिला इस टाइम ये वीडियो देखने पे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मतलब जो लोग सोच रहे हैं जिन्हें इस टाइम रिया अच्छी लग रही है, मैं बता दूं कि ये सिर्फ वीडियो में है, वैसे वो लेस्बियन नहीं है। And वो सिंगल भी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम इसका मेंशन कर दूंगा जो लोग फॉलो करना चाहते हैं। आई नो बहुत सारी फॉलो रिक्वेस्ट वैसे आई रही होंगी ऑन द वे, सो इसलिए दैट विल हेल्प यू। बाकी आप लोग अगर चाहते तो रिया को थोड़ा पहले भी देख सकते थे मेरे चैनल पे, क्योंकि शी इज अ ह्यूज कंगना फैन। एंड जब मणिकर्णिका आई थी तो हमने सोचा था साथ में वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो टाइमिंग इश्यूज की वजह से नहीं हो पाया था। एंड ये कितनी बड़ी कंगना फैन है वो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे एक कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें इसने कंगना की तरह एक टैटू बनवाया अपनी बॉडी पे। अब वो कहाँ है कैसे वो आपको इमेज दिख जाएगी अभी थोड़ी देर में, बट शी इज अ ह्यूज फैन, शी फॉलोज हर। एंड अभी कोई नेक्स्ट अगर कंगना की कोई ना कोई यू नो मूवी आएगी, मेंटल है लो दिखा दे, दिस इज द ट्रू फैन। जब मेंटल है क्या मूवी आ रही है राजकुमार राव के साथ, हाँ अभी डेट फाइनल नहीं हुई इसलिए, तो अब जब वो उसका ट्रेलर आएगा तो डेफिनेटली आप लोग रिया को देखेंगे दोबारा इस चैनल पे, होपफुली अगर मैम के पास टाइम हुआ तो, क्योंकि अब जैसा आप देख सकते हैं शी इज अ सेलिब्रिटी नाउ, सो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बट अभी के लिए दैट वाज रियली अमेजिंग। अगर आप यू नो ऐसे म्यूजिक वीडियो और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट और देखना चाहते हैं तो रजत कश्यप जो डायरेक्टर है उनका चैनल फॉलो करिए। काफी अच्छा क्रिएट किया उन्होंने जो किया है, एंड जो भी इसमें यू नो इन्वॉल्व है इस वीडियो में उन सबके टाइटल्स मैं नीचे यू नो मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताकि आप लोग देख सकें। एंड दैट्स इट, आप मुझे बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा एंड इनका काम आपको कैसा लगा वीडियो में, प्लीज बताइए। एंड दैट्स इट गाइज, अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, फॉलो करिए रिया को इंस्टाग्राम पे, फॉलो शान, यस जैसा इन्होंने बोला प्लीज डू दैट। एंड दैट्स इट, जल्दी मिलूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नजर इधर ही रखना, स्क्रीन में मत देखना, शीशे मत देखना, इधर रखना है। हाँ।